मऊरानीपुर के कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के आभूषण के साथ हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली। सुबह जागने पर परिजनों को घर के दरवाजे के ताले टूटे मिले, जिसकी सूचना पुलिस को देते हुए उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र ग्राम मऊ देहात निवासी प्रदीप सोनी पुत्र भगवान दास सोनी ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह बीती रात अपने परिवार के साथ दूसरी मंजिल पर सो रहे थे और नीचे अज्ञात चोरों द्वारा घर के दरवाजे तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और 50,000 रुपए नकदी चोरी कर ली गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यहाँ पे करीब रात में जो पड़ोसियों ने बताया कि रात में चोरी हुई है और सुबह मेरे पास फ़ोन आया 8 बजे, 7:30-8 के बीच में फ़ोन आया। फिर मैं इसके बाद आया, मैंने 112 नंबर बुलाया, रोगा जी है वो जाँच कर रहे हैं। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सामान में एक लैपटॉप है और 200 ग्राम चांदी है, 6-7 तोला सोना था, 50,000 रुपया कैश है, कपड़े ले गए। पुलिस क्या करेगी? पुलिस जाँच कर रही है। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।